हेलो गाइस, वेलकम बैक। एंड दिस इज़ द नाइन्थ टेस्ट और उसका पैसेज नंबर फर्स्ट है एग्रीकल्चर एंड टूरिज्म। दैट मीन्स यहाँ पर एग्रीकल्चर और टूरिज्म से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। और ये पैसेज पता है किसके बारे में है? देखो, पता है ये पैसेज में यार क्या सिस्टम था कि एक बहुत सारे किसानों ने और बहुत सारे जो कॉरपोरेट्स थे उन लोगों ने मिलके अलग अलग जो एग्रीकल्चर थे वहाँ पर उन लोगों ने ग्रुप बना लिया और बोला कि भी अब से जो भी टूरिस्ट आएगा हम लोग इनको अलग अलग जो एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं कि भी इस प्रकार से खेती करी जा सकती है, उस प्रकार से खेती करी जा सकती है, उन लोगों ने वो उनको दिखाया। इतनी सी बात है, इस पूरे पैसेज में सिर्फ यही है। उसमें भी हिस्ट्री थोड़ी बहुत है, हल्की फुल्की सी, और बाकी की चीज़ें हैं, ठीक है। लेकिन पूरे पैसेज का जो एक व्यू पॉइंट है ये इस प्रकार का है। अब इसमें सबसे पहले हमारे पास देख लो क्वेश्चन कौन कौन से टाइप के हैं। एक तो पैराग्राफ में से इन्फॉर्मेशन ढूंढनी है, एक मैच करना है, और उसके बाद हम लोगों को ये क्या बोलते हैं समरी यहाँ पे कंप्लीट करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कौन से पैराग्राफ में कौन सी इन्फॉर्मेशन है। ये पहले पहले देखो, अबाउट लगभग हाफ ऑफ ऑल ऑफ द टूरिस्ट, जो सभी में से हाफ, लगभग हाफ है, ये पूरा 50 नहीं है, 45 से लेके 55 के बीच में है, वुड स्पेंड सेवरल डेज मुनरो, कि वो मुनरो में क्या है लगभग बहुत सारे दिन वो बिताएंगे। तो ये जो फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन का हम लोग आंसर अभी आप लोगों को बता देते हैं कि कहाँ से मिलेगा। ये रहा, बी पैराग्राफ में है, मोर देन 40%, मतलब 40% से ज्यादा। इसका मतलब क्या हुआ, लगभग लगभग 50 के आसपास जाएंगे, 40% से ज्यादा कुछ भी हो सकते हैं। मोर देन 40% ऑफ द विजिटर्स केम टू मुनरो फॉर 2 और 3 डेज विजिट, कि वो लगभग वहां पे 2 या 3 दिन रहेंगे। इसका मतलब ये क्या हुआ, बहुत सारे दिन हो गए, ठीक है। ऐसे ही होते हैं भाई आंसर, बिल्कुल। सेकंड देखो, मोस्ट विजिटर रिस्पोंडेड पॉजिटिवली टू सर्वे प्रोजेक्ट ऑन अ फार्म टूर, जो फार्म टूर के ऊपर एक सर्वे करा गया था, बहुत सारे लोगों ने उसके ऊपर क्या करा, एक पॉजिटिव एटीट्यूड दिया, पॉजिटिव नोट के साथ उसको खत्म करा। तो ए पैराग्राफ में देखो क्या हुआ, बहुत सारे लोगों की बात चल रही है यहाँ पे। 1990 में हुआ एक सर्वे हुआ जिसमें 290 लोग थे, ठीक है, 164 विजिटर्स थे, उन लोगों ने पिकनिक फार्म के ऊपर क्या अपना कुछ व्यू पॉइंट दिया होगा। तो ये क्या बोलते हैं, मोर देन हाफ ऑफ दोज सर्वेज रिस्पोंडेड फेवरेबली, कि उस सर्वे से मोर देन हाफ, लगभग लगभग आधे से ज्यादा लोगों ने, मतलब 50% से भी ज्यादा लोगों ने क्या करा, फेवरेबल टू प्रपोज्ड टूर, कि वो फेवर थे, उनके फेवर में थे, टूर के फेवर में थे। उन्होंने कहा कि भी हाँ ठीक है, हम लोग एग्रीकल्चरल टूर में जो ये साउथ वेस्टर्न विस्कन में हुएगा, हम उसमें इंटरेस्टेड हैं, हम उसमें अपनी जिज्ञासा दिखाते हैं। तो ये बात कहाँ पे चल पड़ी है अपने सेकंड की ए में। तो उसके बाद हम लोग चलते हैं हमारे थर्ड क्वेश्चन में। ये क्या बोलते हैं, ये बोलते हैं कि भाई कॉपरेशन अक्रॉस ऑर्गेनाइजेशंस इन रिसर्च फॉर एग्रीकल्चर टूर्स हैज बीन कैरिड आउट। कॉपरेशन हुआ, कॉपरेशन का मतलब क्या हुआ, एक दूसरे के साथ उन लोगों ने सामंजस्य बिठाया कि ठीक है भाई तुम लोग क्या करना, विजिटर लेके आना, हम लोग उसको खेती बाड़ी के बारे में बताएंगे, ठीक है, कुछ लोग हमें बसेस वाले काम करेंगे, कुछ खाने पीने वाले भी काम करेंगे। तो एक पूरी की पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन, पूरी की पूरी संस्था वहां पे क्या करेगी, बिठाएगी, उनके बीच में मीटिंग्स वगैरह हुई, एक कैरिड आउट करा गया। इसके बारे में कहां पर लिखा हुआ है, इसके बारे में आप लोगों को मिल जाएगा ई पैराग्राफ में। लुइस ने कंडक्ट करा एक स्टडी, ठीक है, किसके साथ, जीन मर्फी के साथ, उसमें कम्युनिटी डेवलपमेंट के बारे में था। अदर पार्टिसिपेंट्स इसमें, उसमें क्या है, यूडब्ल्यू पेटेलाइट एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट थे, बॉब एक्टन, उसके बाद सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड एग्रीकल्चर सिस्टम वाले थे, यूबी एक्सटेंशन रिसर्च रिसोर्स सेंटर वाले थे, द विस्कन रूरल डेवलपमेंट सेंटर वाले थे, हिडन वैली वाले थे, ये इतने सारे के सारे लोगों ने क्या करा, एक टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन बनाया। तो क्या मतलब हुआ भाई, एक इवेंट ऑर्गेनाइज करा गया, एक इवेंट यहाँ पे कैरिड आउट करा गया ताकि वो टूरिज्म को थोड़ा और बढ़ावा दे सके। तो इसकी मेंशन कहाँ पे हुई आप लोगों के लिए, ई पैराग्राफ में। क्वेश्चन नंबर चौथा, एग्रीकल्चर टूर असिस्ट टूरिस्ट टू अंडरस्टैंड मोर इश्यूज कंसर्निंग एनिमल एंड एनवायरनमेंट। यहाँ पे जो एग्रीकल्चर टूर हैं वो असिस्ट करते हैं टूरिस्ट को कि भाई तुम लोग थोड़ा बहुत एनिमल्स और थोड़ा बहुत एनवायरनमेंट के बारे में भी समझो, ठीक है, उसके बारे में भी थोड़ी चिंता करो। अब इसके बारे में जो मेंशन है वो आप लोगों को मिलेगा डी पैराग्राफ में। यहाँ पर बिल्कुल साफ साफ लिखा हुआ है, एजुकेटेड ऑन इश्यूज, की भी बहुत सारे इशू हैं उनके ऊपर एजुकेट करा गया, जिसमें एनिमल राइट्स था, एनवायरमेंट के बारे में था, ठीक है, और अर्बन कंज्यूमर्स और फार्मर्स के ऊपर था। ये सारी की सारी कंसर्न्स वहां पे उन लोगों ने दिखाई, चिंताएं क्या करी, व्यक्त करी गई। ओके, इसका मतलब हुआ कि हम लोगों ने इन्फॉर्मेशन तो ढूंढ ली जो कि बहुत ज्यादा इजी थी। अब हम लोग चल पड़े हैं 5 से लेकर 9 में, जहां पर क्या करना है, हमने चीज फेस्टिवल विजिटर, पिकनिक विजिटर, जहां पर बात होगी दोनों के लिए तो वहां पे हम लोग क्या लगा देंगे, सी। ओके चलो,
अब ये पांचवा, छठा, सातवां, आठवां और नौवां हम लोग देखते चलते हैं कि कौन कौन से पैराग्राफ में ये आएगा। ठीक है, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां। एक बार के लिए हम ये सारा का सारा पढ़ लेते हैं ताकि आपको यहीं पर समझ में आ जाए कि हम लोग किसकी बारे में बात करेंगे। सर्वे रिस्पोंडेंट्स रिपोर्टेड दैट दे वुड प्रेफर टू विजिट चीज विजिटर्स। सर्वे के वाले लोगों ने कहा ठीक है, हम लोग चीज फैक्ट्री भाई जाएंगे, ठीक है, सॉसेज प्रोसेसिंग प्लांट भी जाएंगे, डेयरी फार्म भी जाएंगे, हिस्टोरिकल फार्म भी जाएंगे, एज वेल एज वो क्या करेंगे, ओल्ड फैशन पिकनिक डिनर भी इंजॉय वहाँ पे करेंगे। ये सर्वे वाले लोगों ने यहाँ पे कह दिया। ठीक है, कौन कौन से लोग हैं ये जो फार्म्स में विजिट करेंगे। द स्टडी ऑल्सो फाउंड स्ट्रॉन्ग इंटरेस्ट इन विजिटिंग अ स्पेशल फार्म्स। वो बोलते हैं कि भाई ये स्पेशलिटी फार्म है जिसमें स्ट्रॉबेरीज हैं, कारनबेरीज हैं, जो भी हैं ये यहाँ पर भी जाएंगे लोग। मोर देन 75% ऑफ द चीज दे विजिटर्स, जो चीज दे विजिटर्स थे उन लोगों ने प्लान कर रखे थे पहले से ही कि भाई हम ये करेंगे वो करेंगे। जो बाकी के लोग थे उन लोगों ने थोड़े मंथ्स में, मतलब यानी कि 2-3 मंथ पहले प्लान करा था, और बाकी लोगों ने कब का प्लान कर रखा था कि भाई हम लोग यहाँ 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 जाएंगे। तो यहाँ पे दो लोगों के बारे में बात हो चुकी है, ऐसे लोग जो ये वाली जगहों पे जाएंगे और ऐसे लोग जिन लोगों ने पहले से प्लानिंग यहाँ पे कर रखी थी। यहाँ पे छठा और आठवां, मतलब सिक्स और एट्थ क्वेश्चन हमको मिल जाएगा। सिक्स क्वेश्चन पढ़ो। मेजोरिटी प्रिपेयर वेल बिफोर, है ना, उन लोगों ने गोइंग बिफोर हैंड, मतलब जाने से पहले प्रिपेयर कर रखा है मेजोरिटी ने। तो वहां पर भी लिखा है कि भी लगभग लगभग 65% लोगों ने पहले से प्रिपेयर थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौन थे वो, चीज फेस्टिवल विजिटर्स थे। आठवां देखो, शो इंटरेस्ट इन एक्टिविटीज सच एज विजिटिंग अ फार्म टूर एंड फ्रूट। तो वो जो पूरे के पूरे देखो जो सारे के सारे लोग थे ना, जो भी विजिटर्स थे वहां पे आए थे, उन लोगों ने सभी ने इंटरेस्ट शो करा कि हम लोग जाएंगे। अगर आप देखो ध्यान से पढ़ो उसको, सभी ने शो करा। कैसे, सर्वे रिस्पोंडेंट्स, सर्वे में तो सारे लोग थे ना, यहाँ पर 200 के 290 विजिटर्स थे, उन सभी ने कहा कि हम लोग जाएंगे। ठीक है, लेकिन जो चीज विजिटर्स थे उनकी बात यहाँ पे अलग से हुई है। ओके, तो यहाँ पे दो क्वेश्चन हमको मिल चुके हैं। उसके बाद हम लोग ये वाला पढ़ लेते हैं, बी पैराग्राफ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ध्यान रखना यहाँ पर क्या है, चीज देश और दूसरे लोगों की इकट्ठी बात है, तो हमको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल करके यहाँ पे विजिटर्स टू चीज डे की बात इन लोगों ने स्टार्ट कर दी। उन्होंने कहा दे वर ऑन अ हॉलीडे एंड अपियर टू बी मोर ओपन टू वेरियस टूर प्रपोजल्स, कि अभी हम लोग छुट्टियां मनाने आए हैं, हम लोग तुम हमको क्या करो, तुम अलग अलग जगहों पर लेके जाओ। ठीक है, ये सातवां और नौवां दोनों के लिए बनता है। लेकिन जो पिकनिक विजिटर्स थे, चीज विजिटर्स से बोले कि तुम हमको कहीं भी लेके जाओ, पिकनिक विजिटर बोले केम स्पेशली टू सी द शिकागो बियर्स, कि हम तो सिर्फ और सिर्फ शिकागो के जो बियर्स हैं वो प्रैक्टिस देखने आए हैं। दे शोड लेस इंटरेस्ट इन अ प्रपोज्ड एग्रीकल्चरल टूर देन अ चीज विजिटर्स बट मोर इंटरेस्टेड इन अ पिकनिक डिनर। वो बोलते हैं कि भाई हम लोग तो कोई इंटरेस्ट नहीं है इधर उधर जाने में, हाँ पिकनिक डिनर है वो जरूर करेंगे, लेकिन हम लोग स्पेशली आए किसके लिए, शिकागो बियर्स के लिए। ये लोग कौन बोलते हैं, पिकनिक विजिटर वाले। और शिकागो विजिटर वाले क्या बोल, ये जो चीज विजिटर वाले क्या बोलते हैं, क्या हम तो भाई खुले हैं, हम तो कहीं ले जाओ। ठीक है, वो लोग ऐसा बोलते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पे कौन कौन से देखे, सातवां, नौवां और पांचवां। ठीक है, पांचवें का आंसर देखो, हैव फोकस्ड डेस्टिनेशन, उनको पता था अभी हमें कहाँ जाना है। वो लोग कौन थे भाई, वो लोग थे पिकनिक वाले, उनको सिर्फ शिकागो बियर्स ही देखने थे। ठीक है, छठा हम लोगों ने देख लिया, सातवां देखो, अरे कंपेरेबली लेस कीन ऑन अ पिकनिक मील, भी उनको पिकनिक मील पर क्या थे, वो लेस कीन थे, उनको इतना ज्यादा मतलब ऐसा नहीं था कि भी जाना ही जाना है। कौन थे, चीज वाले, क्योंकि वो तो घूमने ही आए थे, उनको तो ये था कि भी हमको तो तुम कितना मर्जी घुमा लो, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आठवां देखो, आठवां तो हम लोगों ने ढूंढ लिया। नाइन्थ देखो, आर विलिंग टू एक्सेप्ट अ वैरायटी ऑफ टूर रिकमेंडेशन, कि भाई हम तो बहुत सारी जगहों पे जा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, चीज फेस्टिवल वालों ने बोला था। हो गया ना, आसान है। इस प्रकार से जब आप इकट्ठा इन्फॉर्मेशन पढ़ते हो ना तो चीजें जल्दी भूलते नहीं फिर बंदे। समरी के बारे में बात चलती है। समरी देखो, यहाँ पर ये जरूरी नहीं है कि आपको एक ही पैराग्राफ में आंसर मिलेगा। समरी में कई बार क्या होता है, आंसर बिखरे हुए होते हैं। आपकी अगर किस्मत बहुत ही ज्यादा अच्छी रही तो क्या पता आपको एक ही जगह पे आंसर मिल जाए, अदरवाइज समरी में आंसर बिखरे बिखरे मिलते हैं। थ्रू फार्म टूर विजिटर्स कैन बेटर अंडरस्टैंड सिग्निफिकेंट इशू, वो सिग्निफिकेंट इशू को क्या कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, सच एज डैश एंड इन्वायरमेंट, मतलब इन्वायरमेंट हो गया। और ये तो आप लोग, आपको पढ़ने की भी जरूरत नहीं है भाई, इसका आंसर है क्या, एनिमल राइट। ठीक है, क्योंकि उन लोगों ने कंसर्न क्या है शो करी थी, स्टार्टिंग में ही शो करी थी कंसर्न, ये रहा। ये क्या बोलते हैं कि भी एनिमल राइट भी जरूरी है, इन्वायरमेंट के ऊपर तो यहाँ पर लिखा ही हुआ है। ठीक बात है ना। ओके, उसके बाद हम लोग चल पड़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है, जो मर्फी था ना, मर्फी ने ऑर्गेनाइज करी एक चीज,
एंड ब्रिंग अदर पार्टिसिपेंट्स टुगेदर। वो दूसरे पार्टिसिपेंट्स को क्या करा, इकट्ठा ले आया। तो मर्फी की बात भी हम लोगों ने बड़ी ध्यान से यहाँ पे पढ़ी थी। उसने क्या कंडक्ट करा, उसने कंडक्ट करी वर्कशॉप्स। ठीक है, क्या करी, वर्कशॉप्स। तो आंसर क्या आया इसका, वर्कशॉप आया। अब मर्फी ऑर्गेनाइज, उसने क्या ऑर्गेनाइज करी, वर्कशॉप्स। ओके, ट्वेल्थ देख लो। एक जो जो ये बंदा है, लैरी नाम का बंदा है, ये उसने कहा कि जो फार्मर्स हैं हैड ऑलरेडी एक्सपीरियंस ऑफ फार्म टूर्स विथ फैक्ट्री विजिटर विजिटिंग एंड अ डैश, कि जिसमें क्या है, फैक्ट्री विजिटिंग है और साथ में कुछ एक और चीज भी यहाँ पर मेंशन है। तो जहां पर फैक्ट्री विजिटिंग लिखा होगा, जहां पे ये लेरी नाम के बंदे का नाम आएगा, हम लोग वहां चले जाएंगे, पढ़ लेंगे, देखो क्या आएगा उसके नाम। ट्वेल्थ के बारे में यहाँ पे क्या बोलते हो, देखो फैक्ट्री विजिटिंग के बारे में तो लिख रखा है, टूर विल कंबाइन अ फार्म विजिट, देन उसके बाद चीज फैक्ट्री और पिकनिक लंच, सिंपल। 13 देख लो, पढ़ लेते हैं, फिर बाद में क्वेश्चन भी देख लेंगे। जो अनदर फार्म इंटरेस्टेड इन होस्टिंग ऑर्गेनाइजिंग, वो लोग क्या बोलते हैं कि सिंसवाना चलते हैं, 200 एकड़ का कोई ग्रैंड कंट्री फार्म है डिवोटेड टू सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, वहाँ पे होती है, रन बाय डोमिनिकन सिस्टर्स। ये डोमिनिकन कोई सिस्टर्स है, पता नहीं इसको प्रोनाउंस कैसे करेंगे। ये फार्म उनके द्वारा रन करा जाता है, मतलब वो लोग, वो जो सिस्टर्स हैं वो फार्म को चलाती हैं। ठीक है, यहाँ पर लिख रखा है मैनेज्ड एंड ऑपरेटेड बाय, तो कौन चलाती है, वो डोमिनिकन सिस्टर्स। उसके बाद लुइस की बात चल पड़ी, कोई बंदा है, सेड द प्रोजेक्ट विल प्रोबेबली ब्रिंग एक्स्ट्रा डैश फॉर लोकल फार्म्स, कि वो एक्स्ट्रा कुछ लेकर आएगा, जो प्रोजेक्ट है वो एक्स्ट्रा इनकम लेके आएगा, इनकम, एडिशनल इनकम, साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ था। कुछ चीजें जब हम लोग पढ़ते हैं तो वो माइंड में रह ही जाती हैं। तो गाइज आज का जो ये पैसेज हमारे पास खत्म होता है यहीं पर, और जाने से पहले अगर आप लोग यहाँ तक पहुँच चुके, देखो भाई हम लोग ट्राई करते हैं कि जितना हो सकता है उतना कम टाइम में आप लोगों को इन्फॉर्मेशन ज़्यादा ज़्यादा दी जाए, इसलिए हम लोग क्या है, ज़्यादा इधर उधर की बातें करते नहीं हैं वीडियोज़ में। लेकिन एक चीज़ है जो आप लोगों को मैं हमेशा बोलता हूँ कि भी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के पास जाओ, हमारे चैनल को शेयर करो। ठीक है, दिस इज ऑल्सो अ वे टू सपोर्ट अस, एंड इफ यू वॉन्ट टू सपोर्ट अस इन अदर वे, यू कैन स्कैन अ क्यू आर कोड, यूपीआई आई डी इज ऑल्सो गिवन, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट ऑल्सो, कैन रजिस्टर फॉर अ फ्री काउंसलिंग, है ना। आप लोग वहाँ पे जो फ्री कंसल्टेशन है, आपकी किसी भी प्रकार के वीज़ा की है, स्टडी से रिलेटेड भी, तो वहाँ पे आप लोग क्या कर सकते हो, जाके रजिस्टर कर सकते हो। सो आज की वीडियो में सिर्फ गाइज इतना था, होप यू गाइज हैव एंजॉयड द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग इट।